दोस्तों नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बाइक बोर्ड के एक नए अपडेट के साथ बाइक बोर्ड के महाठगों पर लग सकता है गैंगस्टर एक्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर है जो कि बाइक बोर्ड के निवेशक हैं उनके लिए, और जो लोग काफ़ी दिनों से वहाँ पे धरना दे रहे हैं, लगभग 50 दिन से 8 दिन, 2 महीने से ऊपर हो गया है उन लोगों को, और धरना जारी रखे हुए हैं। तो उनकी ये मेहनत रंग ला रही धीरे धीरे, और बाइक बोर्ड के जो महाठग हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, ये यहाँ पे समाचार पत्र की खबर है। तो दोस्तों ऐसे ही सही और सच्ची खबरों को देखने के लिए जो भी चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं यदि उनको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों आप लोगों के मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स में ले चलता हूँ। बाइक बोर्ड की महाठगों पर लग सकता है गैंगस्टर एक्ट। सिटी रिपोर्ट की है, एक ग्रेटर नोएडा से रिपोर्ट आई है कि अरबों के फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले बाइक बोर्ड कंपनी के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है। वही मामले की जांच के लिए पुलिस सीबीआई को भी पत्र लिख सकती है। तो दोस्तों ये बहुत खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी खबर है यदि ऐसी बात हो जाए जो यहाँ पे लिखी है कि सीबीआई को इसकी रिपोर्ट चली जाए, यदि सीबीआई को जांच के लिए लिखा जाए। तो मंगलवार को आंदोलनरत निवेशकों ने जिलाधिकारी बीएन सिंह से मुलाकात की। डीएम ने फोन पर एसएसपी से वार्ता की और मामले को गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। तो दोस्तों सोमवार को जैसे कि बताया जा रहा है इसमें कि डीएम ने फोन पर एसएसपी से वार्ता की और मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। दादरी के कोट गांव स्थित बाइक बोर्ड के दफ्तर अवसर में लगभग 2.5 माह से आंदोलन कर रहे निवेशक मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। निवेशक दीपक चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना और निवेशकों ने इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी व सीबीआई जांच की मांग की है। इसके बाद डीएम ने एसएसपी से फोन पर बात की और कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, जरूरत हो तो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। पुलिस मामले की गंभीरता और बड़ी फर्जीवाड़े को देखते हुए पहले ही ईडी को पत्र लिख चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ईडी इसकी जांच कर रही है। वहीं पुलिस के पत्र लिखने के बाद ईडी ने केस दर्ज भी कर लिया है। पुलिस मामले में डीजीपी को पत्र लिखकर जांच सीबीआई से कराने की मांग करें। शिकायत करने वालों में अरविंद, दीपक, त्रिवेंद्र मलिक, सुनील कुमार, विनोद कुमार, मनीष मौजूद रहे। तो ये दोस्तों उससे रिलेटेड हुई थी, और इसमें जो बीएन सिंह जिला अधिकारी हैं नोएडा के, तो उनकी तरफ से आया है कि निवेशकों की शिकायत पर डीएम ने एसएसपी को कार्रवाई के लिए कहा, ये मेन बात है यहाँ पे। दूसरी बात जो बीएन सिंह जिला अधिकारी, उन्होंने कहा बाइक बोर्ड के निवेशक अपनी शिकायत लेकर आए थे, उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई के लिए एसएसपी से बात की गई है, आवश्यकता हुई तो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि यदि इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तो बहुत जल्द उसके परिणाम निकलेंगे, और यदि सीबीआई को जांच दी जाती है तो उससे बेहतर तो कोई उपाय नहीं है। यदि सीबीआई को जांच के लिए दे दिया जाए तो इसके जो तार हैं, जहाँ जहाँ भी लिंक हैं, सब निकल के आएंगे और इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। हमारी मांग तो यही रहेगी दोस्तों कि सीबीआई इसकी जांच करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी हैं, जो भी इसमें मिलीभगत जिसकी भी है, वो सब उनका नाम निकले, उनको सजाए हो और उससे रिलेटेड कार्रवाई जो भी हो वो हो। और हम तो सबसे पहले, तो मैं तो पहले से ये बोलते आ रहा हूँ कि हमारा सबसे पहली मांग हमारी तो यही रहेगी कि हमारे जो पैसे हैं वो हमें मिल जाए, हमारे जो पैसे हैं वो हमें मिल जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी कार्रवाई है। उसके बाद यदि नहीं मानते तो तब की बात, ये अलग बात है, और कुछ ऐसा मसौदा तैयार किया जाए कि यदि ये पैसे जो है इनको सीबीआई जांच भी होती है तो ऐसा कोई इंतज़ाम किया जाए कि जिससे निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाए, चाहे कि आप उनकी गाड़ियां बेचो, चाहे उनकी ज़मीन बेचो, चाहे आप उनके जो भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करें, गाड़ियां बेचें, बाइक बेचें, जो भी है सब नीलाम करके, और जो निवेशक है उनका पैसा वापस किया जाए उन लोगों को, क्योंकि निवेशक काफ़ी दिनों से धरना दे रहे हैं
और धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, उनके पास कोई दूसरा तरीका सूझ नहीं रहा है। बाकी कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो सरकार यदि जाग गई है तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ऐसा यदि होता है तो हमारे लिए और सब बाइक बोर्ड के जो भी निवेशक हैं और अन्य जो भी फर्जीवाड़े के शिकार जो भी लोग हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि यदि एक बार ऐसे एक बार माहौल बन गया है कि जो है जांच सीबीआई से हो रही है तो अन्य जो फर्जीवाड़े की कंपनियां चल रही हैं जो कि पोंजी स्कीम वाली कंपनियां हैं वो भी इसके शिकंजे में आएंगी और उनकी भी जांच होगी। तो सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है ये, और इससे जो भी जो ठगी का धंधा करते हैं उन पे भी लगाम लगेगी, वो लोग भी डरेंगे कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, हमारे साथ भी वही अंजाम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो भी चैनल पे नए आए दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों और ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना चैनल है। और यदि आपको लगे तो शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी पहुंचे, उन तक पहुंचे कि आखिर हो क्या रहा है बाइक बोट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।